मोस्ट अवेटेड फिल्म द कैरल स्टोरी तमाम विवादों के बाद शुक्रवार को पर्दे पर रिलीज हो गई। अदा शर्मा अभिनीत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। शनिवार को अभय न्यूज ने फिल्म देखने के बाद बाहर आए दर्शकों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। दर्शकों ने कहा कि अपने धर्म को समझे और माता पिता की बात माने। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को फिल्म जरूर देखने की बात कही है। फिल्म केरला स्टोरी शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है और आज अभय न्यूज की टीम जेएनपी प्रक्रिया में यहाँ दर्शकों से उनके व्यूज जानने आई है। जिस तरह की फिल्मों को लेकर कंट्रोवर्सी उठ रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि दर्शकों को फिल्म देखने के बाद फिल्म में क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या संदेश फिल्म दे रही है और देखने के बाद क्या दिमाग जनता यहाँ से बनाकर निकल रही है। आपको ये मैसेज देखना चाहिए, अगर एडल्ट को जो भी लड़कियाँ हैं जो इस एज में हैं उन सबको देखना चाहिए कि क्या किस हिसाब से मतलब ये चल रहा है और कैसा क्या हो रहा है। सत्य घटना पर ही सर ऐसा होता है, जब भी तो उन्हें फिल्म रिलीज हो ये वरना कहाँ होती है। बट फिल्म में जो हुआ है वो सभी पार्टी को सहयोग देना चाहिए कि ऐसा ना हो, सही चले, सब हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट ना करे। उनके साथ जो गलत हुआ है वो किसी के साथ भी नहीं हो, धर्म में किसी भी लड़की के साथ ना हो, किसी भी धर्म में ना हो। जो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है लव जिहाद करके, इसके बाद ये फिल्म सबक है उन लड़कियों के लिए। किसी इस फिल्म को मैं चाहता हूँ हर एक वो हिंदू लड़की देखे जो इन चक्रों में पड़ रही है। किसी परिवार की बेटी के साथ ऐसा ना हो, ये फिल्म उसका जीता जाता सबूत है। और इस फिल्म के द्वारा सारी बहनों से निवेदन है कि वह इस तरह के ट्रेप में ना फंसे। ये जो मूवी है बहुत अच्छी मूवी है और वास्तव में हिंदू समाज की जो बहनों के साथ में इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं, जिनको आतंकवाद की तरफ घुमाया जा रहा है, उससे बचाने के लिए, उससे जागरूक करने के लिए मूवी बनाई गई है। ये मूवी जो है अभी आज की तारीख में जो जनरेशन फेस कर रही है, जो कम उम्र के बच्चे हैं जो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, इतना सब कुछ खुलेआम हो रहा है समाज में लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ये उन समझाने के लिए है। पेरेंट्स की जगह ज़िंदगी में कभी कोई नहीं ले सकता। संदेश तो यही देती है कि ये सब असली घटनाओं पर आधारित है। तो मेरा तो यही मानना है कि अपने हमारे यहाँ की सभी जो लड़कियाँ हैं उनको तो देखनी ही चाहिए ये फिल्म, क्योंकि उनको पता चलेगा कि बहकावे में आके क्या कुछ कर सकते हैं ये सब। और बात रही तो बिल्कुल अपनी बहन बेटियों को लेकर आई है, बिल्कुल सही मूवी है, बिल्कुल सही टॉपिक पे उठी है। ये कोई प्रोपोगंडा नहीं, कोई कुछ नहीं, हर क्योंकि आप देख सकते हो बहुत जगह ये फिल्म बैन भी हुई है। और मैं पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट नहीं करना चाहूँगा बट उनके एक्शंस टुवर्ड्स इस फिल्म को बिल्कुल यही बता रहे हैं कि ये सब लाइक काइंड ऑफ बनाया जा रहा है, फ्रेम करा जा रहा है कि ये सब गलत है, बट बिल्कुल सही नॉलेज है इस चीज़ की। सर मूवी एकदम सही संदेश देती है कि ये चीज़ें हमारे बीच में एग्जिस्ट करती हैं और इन चीज़ों की अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं फैलाया ना तो एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड वेरी सून। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप अवेयरनेस नहीं फैलाओगे तो इन चीज़ें तो बढ़ना ही है ना। और इससे पहले कि बाजी हाथ से निकल जाए, इससे पहले कि चीज़ें हाथ से निकल जाए और आप कहते हैं ना बाद में संभाल ही नहीं पहुँची, जो उससे पहले अवेयरनेस फैलाओ और लोगों को एजुकेट करो। सीधी सी बात है, अगर प्रूफ्स हैं भाई अपने तो बोलने की आज़ादी है ना, अगर यही कोई देश के खिलाफ बोलता है तो बोलते हैं बोलने की आज़ादी है। और इस चीज़ में क्या जा रहा है भैया, ये भी तो बोल ही रहे ना। अब आपको गलत लगता है तो आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में बोलोगे नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर फिल्म गलत है तो जाओ और केस कर दो, अगर गलती साबित होगी तो रिलीज ही नहीं हो पाएगी, रिलीज हो रही है मतलब सही है। दरअसल द केरल स्टोरी की कहानी केरल की तीन लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन किया जाता है और फिर ISIS जैसे आतंकी संगठन में आतंकी बनने के लिए भेज दिया जाता है। फिल्म में लड़कियों पर जुल्म और रेप के कई ऐसे सीन हैं जो विचलित करने वाले हैं। हालांकि इस मार्मिक कहानी में कई ऐसी चीजें भी दिखाई गई है जो गले से नहीं उतरती हैं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म सवालों में घिर गई थी। इसके बाद फिल्म को बैन करने की मांग करते हुए विरोध होना शुरू हो गया है। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद फिल्म रिलीज हो गई।